हेलो फ्रेंड्स, आज एक हम इनवॉइस टीडीएल के बारे में बात कर रहे हैं, इनवॉइस फॉर्मेट के बारे में। और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, टैक्स ऑडिटर्स जो होते हैं उनको एक छोटे स्मॉल साइज इनवॉइस फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, और वो अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट में इनवॉइस जनरेट करते हैं। ऐसी कंडीशन में टैली के अंदर जो इनवॉइस फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। उस कंडीशन में हमने सीए के लिए एक अलग से इनवॉइस फॉर्मेट बनाया है। उसके लिए आपको टीडीएल को लोड करना है, एड ऑन फीचर में जाके आपको टीडीएल को लोड कर देना है। टीडीएल लोड करने के बाद में आपको वाउचर टाइप में जाना है और यहाँ पे देखो इनेबल सीए इनवॉइस फॉर्मेट वाला ऑप्शन को यस कर देना है। मैंने यहाँ पे देखो इस ऑप्शन को यस कर दिया, इनेबल सीए इनवॉइस फॉर्मेट। इसको यस करने के बाद में अभी आप बिल के अंदर जाएंगे। जैसे मान लो ये बिल है, ये ऑडिट फीस है। अब मान लो ये ऑडिट फीस कौन से साल की है, जैसे 24-25 की है या 23-24 की है। जैसे मैंने 23-24 का लिख दिया, ऑडिट फीस डाल दिया। अभी मान लो मुझे जीएसटी रिटर्न का भी डालना है। मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, लेजर बना दिया जीएसटी रिटर्न का। ये भी मान लो ये 24-25 का है और इसका अमाउंट डाल दिया जैसे मैंने 2,000 रुपये। अब ये सीजीएसटी और आईजीएसटी है यहाँ पे, तो आईजीएसटी लगा देते हैं। ये मैंने बिल जनरेट कर दिया। अब इस बिल की प्रिंटआउट निकालनी है, तो प्रिंटआउट में हम जाएंगे तो ये देखिए यहाँ आपके ये हाफ पेज में इनवॉइस आ गया है। आपका A4 का हाफ पेज है, उसमें आपका इनवॉइस आ गया। A5 में आपका पार्टी का नाम आ गया, रजिस्ट्री नंबर आ गया, यहाँ पे डिटेल्स आ गई, ऑडिट फीस, जीएसटी रिटर्न, पीरियड आ गया, एचएसएन, जीएसटी परसेंटेज सब आ गया, बैंक डिटेल्स भी आ गई है, सब कुछ यहाँ पे पूरा जीएसटी एनालिसिस के साथ में पूरा का पूरा आपका इनवॉइस जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें इनवॉइस को निकाल सकते हैं और ये शॉर्ट में अच्छा भी दिखता है और सीए और टैक्स ऑडिटर्स के लिए काफी अच्छा बिल फॉर्मेट है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।